नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कैलाश खेर, मालिनी अवस्थी, ऋचा शर्मा, हंसराज रघुवंशी, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो 24 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित नर्मदा गोकुंभ में आप आकर सबके साथ भक्ति के गोते लगा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जबलपुर के मां नर्मदा की गोद में ग्वारी घाट में आयोजित 24 फरवरी से दुनिया से जाने माने संगीतकार भक्तिकार आएंगे और आपको भक्तिमय संगीत से सराबोर कर देंगे। देश दुनिया से आए पर्यटकों को यहां मां नर्मदा की गोद में पुण्य की प्राप्ति होगी और आप भी आइए और इस पावन पुनीत अवसर पर मां नर्मदा की गोद में भक्ति के गोते लगाइए, भक्ति में सराबोर होइए। इस कार्यक्रम को जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन के माननीय वित्त मंत्री तरुण भनोट की देखरेख में किया जा रहा है और नगर प्रशासन की तरफ से संपूर्ण तौर पर तैयारियां अंतिम दौर पर हैं और अब लगभग यह पूरा का पूरा शहर दुल्हन की तरह सज चुका है। एक बार फिर गोकुंभ के गलियारों में आप भक्ति से सराबोर होकर के भक्ति से पूर्ण प्राप्त करके यहां से जा सकते हैं। तो आइए जरूर 24 फरवरी से आयोजित नर्मदा गोकुंभ में। खबरदार न्यूज की पूरी टीम इस गोकुंभ महोत्सव का पूरा प्रसारण करने की कोशिश करेगी और सबसे अच्छी सबसे बेहतर कवरेज आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ द खबरदार न्यूज पर। तो बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। अगर बम 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 लहरी। नमस्कार, मैं हूं आपका कैलाश खेर। मेरा ये अत्यंत सौभाग्य है कि 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होने वाले मां नर्मदा गोकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारी हाजिरी लग रही है 3 मार्च को मंगलवार के दिन। और आप सबसे अनुरोध है कि आइए और मां नर्मदे के तट पर अपने स्वरों में, संगीत में सराबोर हो जाइए और बमलहरी की गंगा में डुबकी लगाइए। इस आयोजन का श्रेय जाता है हमारे माननीय वित्त मंत्री भनोट जी को और तरुण भनोट जी, तत्पश्चात वहां जिला प्रशासन जबलपुर, मध्य प्रदेश सरकार और इसके आयोजन की समिति को। मैं सबको नमन करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं कि आइए और कैलाशा के रंग में रंग जाइए। नमस्कार जी। एवरीवन, जय शंकर महाराज। मैं हंसराज रघुवंशी और मैं बताना चाहूंगा कि मैं आ रहा हूँ मां नर्मदा गोकुंभ में 2 मार्च दिन सोमवार को, एंड भक्ति संगीत की निर्मल गंगा में आप सब लोग आइए। हम सब मिलकर देश में समृद्धि शांति के लिए आह्वान करेंगे। एंड मुझे इस पावन आयोजन में आमंत्रित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री तरुण भनोट जी, मध्य प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन जबलपुर एवं आयोजन समिति का धन्यवाद। नर्मदे हर। जय शंकर, जय महाराज। नमस्कार, मैं इंडियन ओशन बैंड से अमित किलम बोल रहा हूं और हमें बड़ी खुशी है कि हम 25 तारीख को जबलपुर आ रहे हैं और आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम करेंगे, शो करेंगे, जो कि मां नर्मदा का जो गोकुंभ महाअनुष्ठान हो रहा है 24 फरवरी से 3 मार्च को आपके यहां के बहुत ही फेमस जबलपुर के जो पावन धाम है ग्वारी घाट, वहां पे हो रहा है। तो हम आप लोगों के आभारी हैं कि आप लोगों ने हमें एक बार फिर बुलाया। मां नर्मदा और मध्य प्रदेश से हमारा पुराना रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा और हम एक अच्छी प्रस्तुति देने में एक बार फिर आपके सामने कोशिश करेंगे। तो आप आइए और आनंद लीजिएगा। थैंक यू। जय नर्मदा भैया। नमस्कार, नर्मदे हर। मैं हूं मालिनी अवस्थी और मैं आ रही हूं आप सबके बीच 29 फरवरी को जबलपुर में पुण्य सलिला मां नर्मदा के पावन तट जबलपुर में 24 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित मां नर्मदा गोकुंभ में 29 फरवरी को आपके सामने हाजिर रहूंगी। मां का दरबार सजेगा और मैं मां रेवा का महिमा गान करूंगी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि इस कुंभ महानुष्ठान में मुझे अपनी सेवा देने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है और यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं वित्त मंत्री तरुण भनोट जी का, साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन, आयोजन समिति, जिला प्रशासन का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। माई की जय हो। नर्मदे हर। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। 24 फरवरी से 3 मार्च तक
मां नर्मदा को कुंभ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मैं 1 मार्च दिन रविवार को अपनी पूरी टीम के साथ आ रही हूं अपनी भजन की प्रस्तुति देने। इस कार्यक्रम के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री तरुण भनोत जी, जिला प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके साथ ही धन्यवाद करना चाहती हूँ आयोजन की पूरी समिति को जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में, इस अनुष्ठान में आमंत्रित किया। धन्यवाद। जय माता की। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।